क्या हो गया माँ? बोतल तक पानी पी रही थी। अच्छा, पानी खिंड गया उनका। और डर रही? हाँ। किससे? मम्मी रुक गया, कपड़े पहन लिए। मम्मी डांटेगी? हाँ। ये भी कोई डांटने वाली बात है? पानी खिंड गया तो खिंड गया, मगर ला दूसरा परम। अच्छा, ये देखो, ये चुपके चुपके से बिना शोर मचाए माने से पहना दिया। पता भी नहीं चलेगा प्रीति को, जब कपड़े धोए जब नहीं पता लगने का। लगता रहो फिर। अच्छा, ये देखो बस, ये चुपके चुपके से होगी दादी पोती की सेटिंग। अच्छा, पहन लिया इसने। मम्मी चाय किसके लिए बना रही इस टाइम? आपके मौसा जी आए हुए हैं, खाना तो उन्होंने खा लिया था और अब मैं चाय बनाऊंगी। पहले मैंने 2-2.5 घंटे हो गए बनाना से एक बनाया था, तो मैं सोच रही हूँ एक कप चाय हो जाए। तुम्हारे पापा कह रहे हैं कि चाय बना के लेके आओ। मैं ठीक हूँ, और थोड़ा सा काम था उन्हें तो इसीलिए आज आए थे। आपको मिलवाते हैं आज फिर गुड्डू के मौसा जी से, यानी कि अपने जीजा जी से। और ये मेरी बहन के एक बेटा है कन्नू, आप सबने देखा भी है उसे, उसके लिए मैंने ये राखी दी है गुड्डू चिंकी की तरफ से। प्रीति जो है अभी लेकर आई थी राखी, और मिठाई भी लेकर आई थी, और एक टिफिन में रख दूंगी और ये भी दे दूंगी राखी भी। गुड्डू चिंकी नंदनी आरसी सबकी तरफ से कन्नू के लिए है ये राखी। अदरक खत्म हो गया है और 2 कप चाय, इसे अच्छे तरीके से पका लेते हैं और चलते हैं फिर लेकर और आपको मिलवाते हैं। देखिए, ये है हमारे यहाँ की बुढ़ाना कस्बे की फेमस मिठाई बालूशाही, जो कि अरविंद भैया लेकर आए हैं और हमारे बुढ़े यानी कि यार उसको काफ़ी पसंद है ऐसी ऐसी चीज़ें, जलेबी, मीठे में जितनी भी चीज़ें होती है जो दूध से नहीं बनती, वो वाली चीज़ें वो सब उसे बहुत पसंद होती है। तो चाय ले लेते हैं, बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए, अगर मम्मी आप मुझे बोल देना मैं मसाला चाय बनाती। सिंपल सी चाय ठीक है। तुलसी के पत्ते, लेमन ग्रास और अदरक खत्म हो गया, वो भी डालती। मैं जब भी चाय बनाती हूँ मैं ये सब चीजें जरूर डालती। गुड्डू, जो ये चाय बची हुई है वो तेरी है, ठीक है? मैंने अभी पिया मम्मी। तो चलिए जी, चाय लेकर चलते हैं। चाय एकदम हमारी रेडी है। और ये लोग अपनी कार्रवाई में लगे हुए हैं, अभी कुछ कर रहे। और संजय जी, ये हमारे यहाँ की फेमस मिठाई है, खाकर जब जाना। लेके भी चल जाएंगे। हाँ, नहीं लेके भी जाना मम्मी, ठीक है जी। तन्नू भी मैं राखी दूंगी ना, तो उसे बाद में दे दूंगी। तो जी मिल लीजिए गुड्डू के मौसा जी से। कुछ तो बोलो, हाय हेलो, कुछ तो बोलो। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो जी, दोपहर के 3 बज गए हैं और समस्या भारी ये है, कपड़े मैंने 3 बार इन वाले तार पर पट्टियों पर डाल दिए हैं, लेकिन फिर से बारिश आ जाती है। अब फिर से धूप निकल गई है, कई बार मैं ऊपर वाले फ्लोर पर जा चुकी हूँ, कपड़े उतार कर ला चुकी हूँ वहाँ से ये, फिर मैं सोचती हूँ थोड़ी ही धूप लग जाएगी तो धूप में कपड़े अच्छे सूख जाते हैं। कुछ यहाँ पर 4 पाइपर डाल रखे हैं, लेकिन ये तो मुझे लेकर ही जाने पड़ेंगे, बच्चों के पहनने के हैं और ओढ़ने की। मैंने आज ये सारी चादरें भी धो दी थी, बेड शीट वगैरह भी धो दी थी, कल मेहमान भी आएंगे तो जी उसी की साफ़ सफाई में मैं 2-3 दिन से लगी हुई थी। तो कौवे बोल रहे हैं, पहले ही सारा कर देते हैं। जरूर आएंगे मेहमान। और जी देखिए, ये समस्या बताई है इन्होंने, ये कोई समस्या है क्या? मतलब अगर बारिश आ रही है और कपड़े बाहर वाले तार से उतार के अंदर वाले तार पे डालने पड़ गए तो ये भी भारी समस्या है। दरअसल क्या है कि आदमी की, इंसान की फितरत है ये कि छोटी छोटी चीज़ों को ना समस्या मान लेता है वो। पहले अभी 3 दिन तक क्या कर रहे थे हम, पिछले 15 दिनों से गर्मी 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 तो आज भी है। अभी भगवान ने अगर थोड़ी सी राहत दी है ठंड के लिए, बारिश हुई है, मौसम अच्छा हुआ है, तो ये भी समस्या हो गई। तो ये देखो, यहाँ पे कुछ कपड़े धो रखे हैं, तो क्या है मैं बता दूँ, कपड़ों में चादर हैं और जैसे तकिए के कवर होते हैं, ये बेड शीट होती है, ये पर्दे, क्योंकि हम क्या है कि हमें मेहमानों को दिखाना होता है, उन्हें साफ सुथरा सुंदर दिखाना होता है। अच्छा, तो हम डेली साफ सफाई करते ही नहीं? नहीं, वो करते हैं। अगर मेरे पति देव को 4 बार जिन्ने पे
वहाँ पर कपड़े लेके भेज दिया, इनका मूड बताओ कैसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मदद करते हैं हम, भारी बाल्टी होती है कपड़ों की, वो पहुँचाते हैं तसले भर भर के, दिखाते हाँ, तो ही नहीं। ये तो बात है, कई बार ना कपड़े भारी होंगे तो ये ऊपर तक वहाँ पर चढ़ा के रख देते। अब कई बार ना क्या होता है, तसला भर देते हैं कपड़ों का धो धा के, तो उसे ऊपर तक हमारे सिर पर रख के पहुँचाना होता है हमें खुद, क्योंकि भारी वजन में हेल्प करनी पड़ती है, लेकिन हम उसे दिखाते नहीं हैं। दोनों भाई बहुत हेल्प करते हैं वैसे तो इन सब चीज़ों में, मतलब कोई शो अपनी घमंड नहीं करते कभी भी। भारी भारी चीज़ें उठा के इधर से उधर रख देते हैं और घर के काम में भी हेल्प करवा देते हैं, और दोनों भाई करते हैं, अरविंद भी करता है, मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन घमंड कभी नहीं किया आज तक। तो जी ऐसे ही हैं हम। और मैं कहना चाहूँगी कि पतिदेव ये कपड़े यहाँ से उतारो और चलो छत पर लेकर चलते हैं, वहाँ पर जल्दी सूख जाएंगे, थोड़ा मौसम खुल गया है, नहीं तो फिर से जितनी भी गर्मी से एकदम से पड़ती है ना, घुटन सी होते तभी बारिश आ जाती है तेज तेज। अभी क्या, अभी क्या है कि मौसम खुला नहीं है, थोड़ी सी रोशनी हुई है बादलों के बीच से, और बादल डटे हुए हैं आसमान में, बारिश कभी भी आ सकती है, तो कपड़े ये यहीं पे रहने दो, अगर धूप निकलती है तब ऊपर डाल देंगे, अदरवाइज तो फिर भागना पड़ेगा, बीच में ही फिर लाना पड़ेगा इन्हें ऊपर जा कर उतार के। तो जी समस्या ये भी है, अब इसे भी हम अगर समस्या मान लेंगे तो ये समस्या होगी, अगर नहीं मानेंगे तो नहीं होगी। अब ये तो काम है जी, ये तो करने ही पड़ेंगे। 3 दिन पहले मेरी अपने एक सब्सक्राइबर से बात हो रही थी मुंबई थाने में, तो जी वो बोल रहे थे कि कई दिन से यहाँ पर मतलब धूप नहीं निकली, बारिश हो रही है, पूरे सुखाने में भी दिक्कत आ रही है। तो जी आज वही मुझे समझ में आया कि वाकई अगर धूप ना निकले तो कपड़े अच्छे नहीं सूखते हैं बिल्कुल भी मेरे समझ में। और हाँ मैंने उनसे बोला था ये बारिश हमारे इधर भेज दो, तो जी बारिश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बारिश हमारी तरफ को भेज दी। बारिश मुंबई थाने से अब ये यूपी में आ गई है बुढ़ाना में। नंदनी यहाँ पर मस्ती के मूड में है और ये सोकर उठ गई है, अभी 3 बज गए हैं, 11 बजे ये सो गई थी, और देखिए आज मैंने इसको पायल पहना दी है, चमचम कर गए, जल्दी से चलने लगेगी। नंदनी हेलो बोलो सबको। और यहाँ पर माँ नंदिनी का ध्यान रखते हुए, माँ की तबीयत काफी ठीक है, कैसी तबीयत है माँ अपने आप बताओ। ठीक है, ठीक है, आज तो बहुत ठीक है, आज तो बहुत ठीक है। माँ ने अपने हाथों से साग भी बनाया अरवी के पत्तों का, हाँ। और खा के सब मजा आ गया, दिल बाग बाग हो गया सबका, मजा आ गया। और मैंने वो रोटी भी खा ली थी, एक मुझे परेशानी नहीं हुई। आज माँ ने भी साग ही खाया है और एक रोटी खाई है, तो कोई परेशानी नहीं हुई आज रोटी खा के, नहीं तो कई दिन से ये जो है ब्रेड खा रही थी। और आरुषी क्या कर रहे हो तुम? छत पे जाऊं। छत पे जाओ, क्या करोगे आप वहाँ? और माँ अकेली ने आज आखिरकार टीवी चलवा ही लिया है, कौन सा नाटक चल रहा वहाँ? तारक मेहता का है, चिंकिन कुमार तारक मेहता। तो आज माँ ने जो है टीवी चलाकर तारक मेहता देखना शुरू कर दिया है, और चिंकी की जगह है नंदनी। यहाँ पर नंदनी जो है पूरा टाइम देते हुए माँ को देख लेते। नंदनी नुगा कल तैयार रहना भैया, कल तैयार रहना। अरे भाई तो लाड कर रहा भाई नंदनी का, नंदनी कह दे भाई को कल तैयार रहना। मैं कह रही थी मैंने कल तो एक थैला कपड़ों को भर के तैयार कर रखा सिलाई देने के लिए, 2-3 दिन से कह रही है आपको, मैं चलो चल रहे चलो चल रहे, आज शनिवार हो गया, माँ कह रही शनिवार वाले दिन ना जाइए कपड़े ले गए। अच्छा फिर कल चलेंगे संडे मार्केट, कल तो रक्षाबंधन है। हाँ, कल ले जाएंगे, कल त्योहार पे कैसे चले जाएंगे, परसों मंडे में पक्का। देखे आपने कौन कौन से कपड़े देखा होंगे मैं सिलने? नहीं देखे, नहीं कौन कौन से हैं? चलो मैं दिखा रही हूँ आपको, आज रक्षा मंदिर आरुष के राखी बांधेंगे। कौन बांधेगा आप उसको राखी? इसके आरुष के। आप बांधोगे? हाँ। अच्छा भाई, सारी की सारी बहने तैयार हो रही है सुबह के टाइम, ठीक है? कह दे उनको भाई तैयार रहिए। ओ भाई तैयार रहिए रक्षा मंदिर के लिए। हाँ तैयार रहना भाई, जेब भर लिए, जेब भर लिए, ठीक है। कितने पैसे लेगी? 2000। ओ भाई और तुम तो सारी लूट लोगी से। हजार असली रक्षाबंधन तो अब की बारी आई इनकी दोनों की। हाँ। अब की बारी तो आरुषि ने पैसे मांगे, हर बार तो जितने हम अपने हाथ से देते दे देते,
हजार कह रही है। हाँ, आरुषि हजार कह रही, कल से ही कह रही है। तो क्या हो गया, इतनी बहनों का भाई बनना आसान बात है क्या? यह तो बात सही है। और उसके पांच बहने हैं। तो चलो जी कपड़े दिखाते हैं, कौन कौन से देकर आएंगे। एक तो ये देकर आऊंगी। अच्छा, और इसका दुपट्टा निकाल दिया। एक ये देकर आऊंगी पिंक कलर का, इसके साथ का प्रीति ने लिया येलो वाला। प्रीति बोल रही थी दीदी आपके पास येलो कलर के सूट काफी सारे हैं। और ये ब्लाउज है साड़ी की, पापा जी ये देखो। इसके बाद कर और दो एक राम राम जी और एक ये देके आऊंगी, ये देखो। अच्छा, तीन है। तीन है और एक और लेना है, दिलवाओगे एक और? हाँ, चार हो जाएंगे क्योंकि वो तीन नहीं दिया करते ना, तीन काने हुए हैं। अच्छा, इसकी सलवार की वजह से ज्यादा पसंद आया मुझे, इसका जो प्रिंट है वो बढ़िया लग रहा मुझे। तो जी हो गए मेरे कपड़े, एक साथ के साथ वहीं से दिलवाओगे? वाह, मैं क्या दिलवाऊंगा, वो रेखा माँ ने पैसे दे रखे हैं उसका दिलवाऊंगा। मेरी सासू माँ ने पैसे भेज रखे हैं मेरे लिए कपड़ों के, ये अपने कपड़े ले लेना और वो मेरा बर्थडे गिफ्ट है। और अगर मैं नहीं लूँगी ना तो मेरी माँ फिर डांटेगी मुझे कि तुमने क्यों नहीं लिया, तो वो भी उधार है इन पे। तो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि एक तेरा दिलवा दूंगा वहीं से एक जोड़ी कपड़े, वे भी साथ के साथ सिलने दे ये। कपड़े छत पर भी नहीं सुखा सकते हैं क्योंकि ये शरारती बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं, मंकी के बच्चे। ये बड़े वाले तो थोड़े से समझदार होते भी हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा नटखट होते हैं। ये सबकी साथ जो है छीना झपटी करना पसंद करते हैं क्योंकि इन्हें कुछ पता तो रहता नहीं, इन्हें तो बस खेलना है। और देखिए पूरी टोली कल से यहाँ पर घूम रही है और ये दो देखे कितने नटखट हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं दोनों, इतने शरारती हैं। लेकिन देखने में बड़े अच्छे लगते हैं और डर भी लगता है जब ये शरारत करते हैं ना, तो मन करता है ना एक बार छू कर देख ले। देखिए कैसे चढ़ रहे हैं और कूद रहे हैं, लेकिन डर लगता है इनसे। वो बड़ा सा जो आ रहा है ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इंसान की तरफ को एकदम से बहुत तेज़ी से दौड़ता है। वो चढ़ गया है, देखो देखो ये छोटे छोटे से, ये नटखट बहुत नटखट है। और एक नीचे बैठा है ना, ये भी चढ़ेगा, अब ये ऊपर ही जाएगा उसके पास में ही, कोशिश करेगा ज़रूर मुझे पता है। ये सबसे ज़्यादा शरारती बच्चा है इनका, ये देखिए अब ये कोशिश में है कि वो कहाँ को चढ़ के गया और कैसे बैठ रहा है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, ऐसे दीवार पर एकदम चिपका हुआ है जैसे यहीं पर सेट कर दिया गया है। ये देखो अब ज़रूर छेड़खानी करेगा इसके साथ में, पता है मुझे, पता है। ये देखो ये देखो, और ये भी मुझे देख रहे हैं जैसे मैं बोल रही हूँ। कई सारे बैठे हैं बड़े बड़े बंदर, ये अपनी माँ के ऊपर ना और छाती पे ऐसे चिपक जाते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। बाय बाय सबको, हमारी राम राम, हैप्पी रक्षा बंधन। हैप्पी रक्षा बंधन, सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधना, बहन भाई को राखी बांधना।